Hey my loves, welcome back to my channel. I hope you all doing absolutely fine. So guys, in this video I'll be talking about the Face Shop ka Ye Vadam revitalizing range. So I got this kit in my Valentine Day pouch which I have shown you in February. So I have used all of these products. I got three products. One is this Ye Vadam ka revitalizing toner, emulsion and the cream. Iska mujhe serum nahi mila tha because मैंने आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है सब कुछ. सो मेरे पास ये तीन प्रोडक्ट्स ही हैं. सो आई हैव बीन ट्राइंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स एंड आई थॉट आई शुड गिव यू माय क्विक रिव्यू ऑन ऑल ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट्स. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइज, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, टेक अ मोमेंट टू हिट ऑन दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल. एंड इफ यू हैवंट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम देन come and join me on Instagram. I post regularly and let's be friends there. Now without wasting a minute, let's get started. First up, अगर मैं बात करूँ टोनर की, so this one is the Ye Vadam का revitalizing toner. Now इसका जो consistency है ये थोड़ा सा thick है, exactly पानी की तरह ये नहीं है, watery है, liquidy है, transparent है, but it's not at all that water kind of like chia seed के toner जैसा ये नहीं है. थोड़ा सा slightly thicker consistency है इसका and मैं इसका usually एक से दो layer लगाती हूँ because I am a dry skin person and it has a very mild fragrance. Actually इस पूरा पूरी range का फ्रेग्रेंस बहुत ही माइल्ड एंड सूदिंग सा है, बहुत ही प्यारा सा बेबी सॉफ्ट फ्रेग्रेंस है इस पूरा रेंज का. सो इसका जो ओरिजिनल साइज है वो मैं यहाँ पिक्चर डाल दूंगी एंड उसका प्राइस भी मैं यहाँ डाल दूंगी बिकॉज ये वाला छोटा वाला मुझे 32 ml का क्वांटिटी मिला है, सेम टोनर का भी और ये बादाम ये इसका इमल्शन का भी 32 का है. सो इनके जो एक्चुअल पिक्चर्स हैं वो मैं यहाँ साइड पे डालती रहूँगी एंड इनके प्राइसेस भी आपको बताती रहूँगी. सो ये तो हो गया टोनर के बारे में. नेक्स्ट इज दिस ये बादाम का रिवाइटलाइजिंग इमल्शन. नाउ ये भी 32 ml का क्वांटिटी मिला है. नाउ इसका जो कंसिस्टेंसी है इट्स नॉट एट ऑल थिक, इट्स वेरी लाइट और यू कैन से इट्स बिट रनी. एंड इसका मैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट यूज़ करती हूँ बिकॉज फिर मुझे फील होता है कि मुझे फिर जो क्रीम है लास्ट है वो मुझे थोड़ा कम लगाना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई मैं इसको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करती हूँ. एंड द लास्ट प्रोडक्ट आई हैव ये बादाम रिवाइटलाइजिंग क्रीम. नाउ ये वाला जो क्वान्टिटी है ये आपको मिलता है ओनली 10 ml का. सो दैट्स व्हाई यू नो क्वान्टिटी थोड़ा कम होता है. एंड जो इसका अंदर का कंसिस्टेंसी है आप देख सकते हो, ये येलो कलर का है, बहुत ही लाइट येलो और पीची कलर आप बोल सकते हो उस कलर का क्रीम है ये अंदर. एंड ये वाला क्रीम का भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, इट्स वेरी लाइट वेटेड. तो ये तो हो गया इन तीनों की कंसिस्टेंसी के बारे में. इस रेंज का जो सिरम है उसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, अगर आपने वो चेक नहीं किया है मैं यहाँ आई बटन में डाल दूँगी, आप यहाँ से देख लेना या ऑफकोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से उसका चेक कर सकते हो. कमिंग बैक टू दीज थ्री प्रोडक्ट्स, सो आई एम अ ड्राई स्किन पर्सन एज यू ऑल नो. सो आई फील दीज प्रोडक्ट्स आर सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स बिकॉज आई एम अ ड्राई स्किन. तो मुझे ये थोड़े ज़्यादा यू नो क्वांटिटी लेना पड़ता था इनका जब भी मुझे यूज़ करना होता था बिकॉज शुरू शुरू में जब मैंने एक दो बार इसको यूज़ किया तो मैं बहुत कम लेती थी एंड देन फॉर द थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टाइम मैंने बहुत अच्छे से यू नो एक अच्छा वाला अमाउंट इसका इमल्शन का भी एंड देन क्रीम का भी एक अच्छा सा अमाउंट, बहुत ज़्यादा अच्छा अमाउंट लेके मैंने अप्लाई किया. देन मुझे लगा कि हाँ ठीक है नाउ इट्स फाइन, अदरवाइज आई वॉज फीलिंग ड्राई. आई डोंट नो माई स्किन इज़ राइट नाउ इट्स वेरी वेरी ड्राई, मे बी बिकॉज आई एम फीडिंग माई बेबी, आई एम स्टिल फीडिंग माई बेबी, मे बी दैट्स वाई ड्राइनेस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है. सो इन दैट केस यू नो मुझे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगता है. सो ये बताना ज़रूरी था बिकॉज आई थिंक अगर नॉर्मल ड्राई है तो उतना आपको नहीं लगेगा ये, बट मेरा थोड़ा एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन चल रहा हुआ है इस टाइम पे, तो दैट्स व्हाई मुझे थोड़ा ज़्यादा थोक में लगाना पड़ रहा है. आई हैव कम्प्लीटली इन्जॉयड ऑल ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट्स. नाउ इफ़ यू आस्क मी लाइक वेदर आई हैव सीन सम रिजल्ट्स और नॉट, सो आई कॉन्ट से मच अबाउट दैट बिकॉज ये जो इस तरह के एंटी एजिंग वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनके रिजल्ट्स देखने के लिए यू हैव टू यूज़ देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? लाइक एटलीस्ट आप 2-3 months उनको यूज़ करें तब आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली दे आर वर्किंग और नॉट. बट इन ट्रायल पैक से आप सिर्फ इतना पता लगा सकते हो कि क्या ये प्रोडक्ट आपको सूट करेंगे या नहीं. सो आई कैन से लाइक दीज प्रोडक्ट्स कैन सूट ऑल स्किन टाइप्स, लाइक दे सूटेबल फॉर माई स्किन टाइप एज वेल. ऑयली का आई कॉन्ट से मच बट आई थिंक ऑयली स्किन वालों को दे नीड जस्ट लिटल बिट एंड फॉर द ड्राई स्किन पीपल लाइक मी दे नीड
थोड़ा ज़्यादा. सो दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दीज प्रोडक्ट्स. नाउ इफ़ आई रिकमेंड देम और नॉट, सो आई कैन टेल यू वन थिंग, लाइक आई वुड लव टू ट्राई देम if I get them for free, but if you ask me whether I'm gonna purchase any of these products in future, I think no. It's all about this quick review video, guys. I hope you found this video helpful. Video अच्छा लगा है, helpful लगा है, तो like कर दीजिएगा. And अगर channel को subscribe नहीं किया है, then make sure to hit on that red subscribe button down below. I will see you in my next video, guys. Till then, take care and stay beautiful. Bye bye.